कोलकाता, जो कि भारत की पहली राजधानी थी और यह हुगली नदी के पूर्वी तट पे बसा हुआ ये खूबसूरत सा शहर, इसका क्या ही कहना। कोलकाता, जिसे हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आज कोलकाता की सफर कराते हैं। वैसे कोलकाता में दिखाने के लिए बहुत कुछ है। आज के इस वीडियो में आप सभी देखेंगे कि बंगाल के हेरिटेज में से एक, जो हमारे डेवलपिंग कोलकाता में भी आज भी अपना पुराना इतिहास लिए हुए बहुत ही शान से चलती है। आज हम जाने वाले हैं उस सफर पे जो करीबन आज से 150 साल पहले चलना शुरू हुआ था हमारे कोलकाता की सड़कों पे। वैसे कभी अगर आप कोलकाता आए होंगे तो कोलकाता के सड़कों पे ये पटरियों को आप जरूर देखे होंगे, लेकिन बहुत लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये पटरियां क्यों बिछाई गई है। वैसे दोस्तों, भारत में हर जगह ट्रेन चलाई जाती है, लेकिन एकमात्र हमारा खूबसूरत सा शहर कोलकाता, जहाँ पे आज भी ट्राम आपको चलते हुए दिख जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये सफर भी हमारा कुछ ऐसा ही है। आज हम फाइनली करने वाले हैं ट्राम का सफर। इस ट्राम के सफर को करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा कोलकाता के धर्मतल्ला एरिया में, जहां आज भी ट्राम चलाई जाती है। आज भी कहने का मतलब ये है कि हमारे कोलकाता में पहले ज्यादातर जगहों पे ट्राम चलाई जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे बस 3 या 4 लाइन में ही ट्राम चलती है। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम आप सभी को बाद में बताएंगे। पहले हम चलते हैं कोलकाता के धर्मतल्ला एरिया में, जहां हम अपना ट्राम का सफर को एंजॉय करेंगे। धर्मतल्ला जाने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक ऑटो, जो ऑटो हमें लेके जाएगी ग्रीस पार्क मेट्रो के पास, जो मेट्रो हमें ले जाएगी धर्मतल्ला। वैसे तो आप धर्मतल्ला बहुत सारे रूट से जा सकते हो, लेकिन मुझे खास तौर पे पसंद है ये मेट्रो वाली रूट। फाइनली हम पहुंच जाते हैं जहां से हमारी सफर शुरू होगी, उस जगह पे। वहां जाके मुझे पता चलता है कि वहां पे एक खूबसूरत सी ट्राम म्यूजियम भी है। फाइनली आ चुके हैं कोलकाता के ट्राम म्यूजियम के पास। और अगर ट्राम के बारे में हम जानते होंगे, वर्ल्ड में ये बस कुछ ही शहरों में चलती है और भारत में एकमात्र हमारी शहर कोलकाता जिसमें आपको ट्राम अभी भी चलते हुए दिखेंगे। तो फाइनली आप सभी को अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ है इस ट्राम म्यूजियम में। जिस ट्राम म्यूजियम में कैफे बनी हुई है, जिस ट्राम म्यूजियम में एंट्री करने की फीस है 20 रुपीज। फाइनली मैं एंटर करता हूँ ट्राम के दूसरे डब्बे में, जहाँ पे हमारे ट्राम से रिलेटेड बहुत कुछ जानकारियाँ और बहुत कुछ ट्राम से रिलेटेड चीजों को वहाँ पे रखा गया होता है। तो दोस्तों, चलिए आप सभी को लेके चलते हैं आज से करीबन 150 साल पहले, जहाँ से हमारी इस खूबसूरत सा हेरिटेज का चलना शुरू हुआ था। आज से 150 साल पहले करीबन 1873 में कोलकाता की पहली ट्राम चलाई गई थी। और मजे की बात यह है कि ये ट्राम कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं, बल्कि घोड़ों के द्वारा चलाई गई थी। और फिर करीबन 30 सालों के बाद पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्राम चलाई गई थी। तो इस म्यूजियम के अंदर ट्राम से रिलेटेड काफी सारी यादों को संजो के रखा गया है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार शुरू होती है हमारी ट्राम की ये राइड, जहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ ट्राम का इस खूबसूरत से राइड को एंजॉय करता हूँ। ट्राम के सफर को एंजॉय करते करते थोड़ा दूर आगे जाते ही हैं, जहाँ पे कुछ ऐसा तस्वीर हमें देखने मिलती है, जहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगल बगल की सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, बट हमारी ट्राम एक ही जगह पे रुकी हुई है। ट्राम में करीबन 30 मिनट बैठे बैठे मैं परेशान हो जाता हूँ। तो फाइनली मैं नीचे देखता हूँ, ये देख रहे हो पूरा रास्ता क्लियर है, लेकिन जो बस जा नहीं पा रही है वो बस हमारी ट्राम है। और रीजन ये देखो, ये गाड़ी किसी महाशय ने लगा के आगे कहीं चले गए हैं, और ऐसे ही गाड़ियां लाइन से लगी हुई है। इसके बाद हमारा ट्राम करीबन आधे घंटे तक वहां पे अटका हुआ होता है। तो मुझे इन सब चीजों को देख के ये समझ में आ रहा होता है ट्राम का ऐसा कंडीशन क्यों आ गया है। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि एक वक्त जहां पे हमारे कोलकाता में 400 से अधिक ट्रामें चलाई जाती थी, लेकिन आज की स्थिति कुछ ऐसी आ गई है कि करीबन हमारे कोलकाता में 10 से 20 ट्रामें ही चलाई जाती है। और वहीं पे जहां हमारी कोलकाता में करीबन 37 रूट्स पे ट्रामें चला करती थी, जो कि सिमट के करीबन 2 से 3 रूट पे ही ट्राम चला करती
करती है। फिर मुझे कुछ रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि कोलकाता ट्राम एसोसिएशन ने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में एक पिटीशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोलकाता में और भी ट्राम चलाने के लिए कहा जाए। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कलकत्ता एसोसिएशन ट्राम के फेवर में फैसला सुनाया है और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा कि हमारे बंगाल की जितने भी हेरिटेज है उन सभी को प्रिजर्व करके और सेफ्टी के साथ रखें। और साथ ही साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्राम की प्रॉपर्टी को बेचने पे रोक भी लगा दी। खैर, ये तो थी ट्राम से रिलेटेड बातें जो मुझे लगा आप सभी को पता होनी चाहिए। तो हम अपने इस ट्राम के सफर में आगे की ओर जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कैसे शाम से रात हो गई इस महाशय की कृपा से, जो हमारे ट्राम के रास्ते में गाड़ी पार्क करके पता नहीं कहां कुछ खाने चले गए थे। तो दोस्तों, सच बताऊं, हमारे इस ट्राम के सफर में बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत कुछ पुरानी यादें भी ताजा हुई। तो मैं आशा करता हूं हमारी ये छोटी सी कोशिश आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और उससे भी अगर थोड़ा ज्यादा पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।